लीजिए। वही यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है कौन सबसे ज्यादा नाम लिख सकता है। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog. So guys, कैसे आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइज, मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है, बेसिकली ब्रेकफास्ट बना रहा है, ब्रेड टोस्ट कर रहा है और चाय बन रही है इस साइड। सो ब्रेकफास्ट करेंगे अभी, और गोलू अभी भी सो रहा है तो गोलू को भी उठाते हैं। गोलू भी उठ चुका है, लाइट भी बंद है, उसकी लाइट्स ऑन करते हैं। इतना टाइम लगता है क्या चाय बनाने में? चाय बनाता है कि हमको बनाता है? इस इलाके में बिना शक्कर के मतलब शक्कर के बिना ही होता है। तो तू चाय बनाता है कि हमको बनाता है? मेरे वाली खिचड़ी वाली बना रहा था ये। अपने लिए ना आया? ना आता हूँ। उन्होंने उसको डीमोटिवेट कर दिया है। जल्दी जल्दी खा ले। आज कम करो की आज का मतलब बंद कर कॉपीराइट। सो गाइस, अभी का प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं थोड़ा बाल कटवाने और सब्जी वगैरह भी ले लेंगे दोपहर का लंच बनाने के लिए। सो विक्की भी जा रहे हैं हमारे साथ। सो लेट्स गो की बंद कर दो टीवी और चलते हैं फिर। सो बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं तो संडे को तो भीड़ रहती है, इसलिए मैं गया नहीं। तो आज बाल कटवाएंगे और आते वक्त वहाँ से सब्जी भी ले लेंगे। फाइनली सैलून पहुँच चुके हैं और भैया सब बाल कटवाते हैं। सो भैया साइड से छोटे कर दो और बीच से वैसे जो स्टाइल करवाता हूँ, और ये चल ठीक है, बियर्ड शेव कर दो बस। तो कटवाते हैं, चलते हैं वहाँ से। तो भाई बाल वगैरह कटवा दिए और चल रहे हैं वापस सब्जी लेके अपने घर, और बनाते हैं फिर खाना, फिर लंच करते हैं। तो लोकेशन मैं पिन कर दूंगा, आप भी आ सकते हैं बाल कटवाने के लिए, काफ़ी फेमस सैलून है मुंबई का। तो चलते हैं अब। भाई कितने रुपए हो गए? बस 70 रुपये। भाई कम पैसे लेते हैं हमसे क्योंकि आई एम ब्लॉगर, तो उसके राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो गाइस देख लो, इतने बड़े घोड़े हो गए हैं और मुझसे क्या खरीदवाया इन लोगों ने दुकान से। ले ले वे। तो गाइस अब चलते हैं, सभी तो मिल गया है, हाफ डे बंक मार के आए अपने ऑफिस से, तो वापस चलते हैं अपने घर। तो गाइस मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और अभी प्याज कट कर रहा था फिर नहाने गया था। सो तब तक विक्की ने पूरा किचन साफ करने में लगा पड़ा विक्की। तो भाई देख लो, विक्की पूरे फॉर्म में आ रहा है। विक्की ने सारे बर्तन धोए हैं, किचन भी साफ कर रहा है, और एक सविता है जो कि काम का नाम सुनते ही भाग गया। सो गाइस हम भी अकेले हैं, हमें भी काम करना पड़ता है, सो हेल्प करवा दीजिए भाई, वो कोई बात नहीं है। लेकिन सवित बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अगर होपो ब्लॉग देख रहा होगा तो उससे पता लग जाएगा कि तो ज़्यादा सेल्फिश। सो कोई नहीं, कर्मा विल टेक केयर। तो गाइस हम टमाटर लेने गए थे, टमाटर तो मिला नहीं, सो टमाटर हमने ऑनलाइन मंगाया। और हम सो मिनिमम 7 से 8 मिनट के अंदर ये डिलीवर हो चुका है स्विगी की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहा है स्विगी। और मैंने ये 3 का कॉम्बो एक मिल रहा था, मतलब मिर्च और ये लहसुन अदरक, तो ये भी मंगा लिया। और अब बनाते हैं सब्जी, और प्याज को मैंने कट कर दिया, बस उसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। सो उसको ग्राइंड करते हैं फिर बनाते हैं सब्जी। मैंने प्याज ग्राइंड कर लिया है और टमाटर भी पीस लिया है, और अब बनाते हैं सब्जी। और हाँ गई, इसके साथ धनिया पत्ता भी आया था, वो इन लोगों ने फ्रिज में रख दिया था फ्रेश। टमाटर सो गई, जैकेट डाल लिया है और गोलू भी सो गाइस रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं। अभी का प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं संयम के घर। सो बुआ भी आ चुकी हैं, बुआ का हाथ में फ्रैक्चर हो गया,
तो वो भी देख लेंगे और थोड़ा घूम भी लेंगे। सो चलते हैं बोलेगा और निकलते हैं। और विक्की जा गया, विक्की चला गया अपने घर, हम सो गए थे तभी विक्की निकल गया अपने घर के लिए। सो लेट्स गो, चलते हैं। पूरे दिन कब देख लिया तूने घूमते हुए? अरे तू जा रही? अभी तो हम काम से जा रहे हैं। सुबह सुबह मैगी खाने हैं, दोपहर में मैगी खाया हमने, पता नहीं मैं नहीं देखा ना। तो बिल्ली तो भाई देख लो जाम कितना तगड़ा लग रखा है पीछे, हर रेड लाइट से जाम लग रखा है। देखते हैं कब तक खुलता है फिर निकलते हैं। और पंजाब से फेम के घर पर पहुँच के मिलता हूँ। तो इस पर हम अपना साइन कर देते हैं। बुआ नीचे लिख दे, बुआ बुआ मेरा सबसे अच्छा दिख रहा है, सबने लिख दिया है गेट वेल सून। वही यहाँ पे कंपटीशन हो रहा था कौन सबसे ज्यादा नाम लिखता है, तो मैं सेम का ही बढ़ाएगा। वही देख लो हमारे लिए पकौड़े और चाय है, तो और ये सबसे पहले लेके खा मेहमान ने खाना स्टार्ट भी नहीं किया, सबसे पहले खाना स्टार्ट। तो गाइस हम थोड़ा घूमने आए हैं अशोक नगर की मार्केट में, सैयम और गोलू। तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सो इस साइड मोमोज भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं न्यू अशोक नगर, तो मोमोज खाते हैं फिर वापस चलते हैं घर। गाइस आज हम बना रहे हैं बुआ के घर पर खाना, सैयम पीछे हेल्प करवा रहा है, और क्योंकि बुआ के हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है तो दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा खाना बनाने में। वैसे मेरी बहन मदद कर देती है, सो आज हम बना रहे हैं खाना। सो खाना बनाते हैं और फिर जाएंगे अपने घर। सो गाइस देखो सैयम ने क्या पहना दिया, ये लड़की भी उसकी तरह लग रहा है स्कूल में। सब बना देता हूं। सो उसने मुझे पूरा मास्टर से बना दिया। ये क्या पहन लिया? एप्रन है। सो मतलब वेट ड्रेस कर दी। सब बनाते हैं खाना, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो। खिला क्या रहा है वो तो दिखा, अब वो काली मिर्च है तो वही तो खिला रहा हूँ, मुझे खिला दी नाक से तू अंदर मत कर। कैसे लगेगा नाक? तो गाइस हमने खाना रेडी कर दिया है और अब वापस निकलते हैं अपने घर के लिए। लगी खाना रेडी करते हैं, अब निकलते हैं। टेस्ट कर लिया सही हमने, कैसा लगा? बहुत अच्छा ही लगा वैसे। मटर पटोले इसकी रेसिपी आपको भैया के वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। इसका अगर रेसिपी आपको जाननी है चावल नहीं करवाया कर ले। मेरा भाई मेरी सुझा करना चाहता है, ये थंबनेल में लगा देंगे। माय ब्रदर स्किनिंग मी जल्दी। तो गाइस सही है हमारा वॉलेट चेक कर रहा है, देखते हैं इस पे क्या निकलता है। श्री बैंक कार्ड चाहिए, आधार कार्ड मैंने ये आईडी कार्ड है। और देखिए गाइस सपोर्ट नहीं हो रहा है, एक रुपये भी नहीं है, एक रुपये का गाइस है। देखिए किसी ने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, 1 rupees नोट। गरीब आदमी को वॉलेट में क्या मिलेगा? मैंने सुना था आपकी वॉलेट में डॉलर भी थे एक दिन। आपने मुझे स्नैप भेजी थी, यहाँ भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। हैशटैग गरीब आदमी। मैं गरीब 2.0 हूँ, मैं गरीब 2.0। इस खाना पीना थोड़ा सा खा लिया यहाँ पे भी और अब निकलते हैं। बाय बाय सैयम। मेरा
सो लेट्स गो बाय सेम आज पहुंच के मैसेज कर दियो सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:12 और हम निकल चुके हैं अपने वापस घर के लिए सुनने खाना खा लिया है बस घर जाके सोना है ऐसे वो सो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं अभी टाइम हो रहा है 11:23 सो गाइस घर पहुंच चुके हैं और खाना पीना वहां पर डन हो चुका था और खाने की जरूरत नहीं अब सीधा सोएंगे और ऑलमोस्ट हमें 8 से 9 मिनट लगे घर पहुंचने में सो मैंने बुआ को भी फ़ोन किया घर पहुंच चुके हैं तो बुआ कह रही इतनी तेज़ क्यों चला के ले गया लेकिन इस टाइम पर रोड खाली मिलती है तो जल्दी पहुँच जाते हैं बाकी ट्रैफिक वगैरह लगा रहता है उसके चक्कर में लेट जाता है इसलिए जल्दी पहुँच गए सो इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय लव यू और कीप सपोर्टिंग गाइस बाय और जल्द से थैंक यू जो बंदे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और हाँ गाइस मैं डेली ब्लॉग्स करता हूँ तो आप डेली ब्लॉग्स देख सकते हो मेरे और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी वीडियो जब भी आएगी तो वैसे मेरी टाइमिंग है 12:00 आफ्टरनून सो उस टाइम वीडियो आ जाती है मे बी आ जाती है मतलब मे बी अगर इनकेस नहीं आती है तो उस दिन तो आ ही जाती है बाकी कंफर्म टाइम है 12 बजे वीडियो आ जाती है सो बाय बाय गाइस लाइक।